नमस्कार मित्रों, पहले अपडेट दे देते हैं मित्रों। हमने 12 अगस्त को कॉनकोर दिया हुआ था मित्रों, 360 पे। सब लोग कॉनकोर में बिल्कुल बेरिश थे, लेकिन मैंने बाउंस बैक थियरी के हिसाब से बाय करने को बोला हुआ था 360 पे, और पहला टारगेट था 400 का, जो कि कल ही 400 का टारगेट हिट हो गया था मित्रों। यानी कि सिर्फ 7 दिन में कॉनकोर ने 10% रिटर्न कमा के दिया है, और आप अपने हिसाब से भी अब कॉनकोर में स्विंग कर सकते हैं मित्रों। अब आपको बाय करना हो तो 380 पे बाय करें। टारगेट 400 का पहला रहेगा और दूसरा टारगेट 420 का। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कॉनकोर में 5% या 10% कमा सकते हो। एक बार को तो कॉनकोर ने 7 दिन में 10% कमा के दे ही दिया है मित्रों। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता है मित्रों, जिससे हमें नए नए स्विंग स्टॉक, बढ़िया बढ़िया स्विंग स्टॉक लाने में कॉन्फिडेंस मिलता है मित्रों। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारी फैमिली को बढ़ाएं। अभी हमारी व्हाट्सएप फ्री मेंबरशिप में 9 मेंबर जुड़ गए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डिस्क्लेमर दे देते हैं मित्रों। हमने जो स्विंग स्टॉक निकाला हुआ है, मेरी सोच और मेरी रिसर्च के हिसाब से निकाला है। आप अपनी खुद की भी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई भी स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें मित्रों। अगला स्विंग स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी अभी चल रहा है 246 से लेकर 253 पे, और अभी क्लोज हुआ है 250 पे। पेट्रोनेट एलएनजी का 52 वीक लो है 170 का, 52 वीक हाई है 293 के आसपास। टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है मित्रों, और अर्निंग पर शेयर है 18 का, पी रेशियो है 13 का, डिविडेंड देता है 7 रुपीज़ का, डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास की। मित्रों वीडियो को पॉज करें और सोचे और कमेंट बॉक्स में लिखे ये सस्ता स्टॉक है कि महंगा स्टॉक है। हाँ मित्रों, आपने सही पहचाना, ये अच्छे और सस्ते भाव पर उपलब्ध है पेट्रोनेट एलएनजी। मित्रों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप हमारी व्हाट्सएप मेंबरशिप में, फ्री मेंबरशिप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़िए, क्योंकि उसमें वीडियो बनाने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि हमारे रडार में कौन सा स्टॉक है। उसमें कभी कभार हम इंट्राडे कॉल, 2 डेज कॉल और 5 डेज कॉल भी दे देते हैं। हम लोग 8% या 10% का रिटर्न तो कम से कम दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक ही निकालते हैं। 1 या 2% वाले स्टॉक हमारी रडार में कभी ही नहीं होते, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए मित्रों। 1 या 2% में हाथ बहुत ही ज़्यादा जल जाते हैं मित्रों। तो आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पेट्रोनेट एलएनजी को बाय कर सकते हैं हम 240 से लेकर 250 के बीच में। हमारा पहला टारगेट रहेगा 270 का, दूसरा टारगेट रहेगा 290 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 238 का। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हमारा रिस्क बहुत ही कम रहेगा मित्रों, और रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इसके हिसाब से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:5 का बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम लोग 15 दिन तक रुकना चाहे तो हमारा पहला टारगेट जो कि है 270 का, जो कि 10% वो आ सकता है, और 1 मंथ तक रुकना चाहे मित्रों तो 20% तक रिटर्न मिल सकता है। उसमें 290 का टारगेट भी आ सकता है मित्रों। पेट्रोनेट एलएनजी उससे आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उससे लिए आपका टाइम होराइजन 3 महीने से लेकर 6 मंथ का होना चाहिए। जैसे ही आपका टाइम होराइजन आगे का रहेगा, वैसे ही रिटर्न थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलता जाएगा। उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो मित्रों। इसे ही नए नए वीडियो जानने, सुनने, देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।